तो इसके पहले हमने बात किया था इंजीनियर्स के बारे में कि अगर इंजीनियर्स बनना हो तो क्या क्या करेंगे और कैसे करेंगे, और इंजीनियर्स बनने के लिए क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई थी। किसी को याद है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इंजीनियर्स की पहली पसंद? मैथ। क्या था वो? था मैथ। मैथ्स मैथ्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम इंजीनियर्स बनने जाते हैं तो मैथ्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इम्पॉर्टेंट है। रीजन कोई बता सकता है? हाँ, मैथ्स इम्पॉर्टेंट है, ये रीजन कोई बता सकता है? क्योंकि इसमें लॉजिकल चीजें होती हैं। लॉजिकल चीज़ें होती हैं। इसका रीजन क्या है कि मैथ्स इम्पॉर्टेंट है इंजीनियरिंग के लिए? इम्पॉर्टेंट मैथ्स फॉर इंजीनियरिंग। ठीक। हाँ, इंजीनियरिंग रीजन पहला निकल के आया कौन सा? लॉजिकल। मैथ क्या होता है? लॉजिकल होता है। दूसरा पॉइंट कोई और सोचो। पहली चीज़ लॉजिकल एबिलिटी देता हमें। लॉजिकल कहने का मतलब लॉजिकल थिंकिंग प्रोवाइड करता है। ठीक। लॉजिकल थिंकिंग प्रोवाइड करता है। दूसरा, दूसरी पॉइंट सोचो कोई। इसमें किसको इंजीनियर बनना था? तुम ही तो थे शायद, नहीं थे? किस क्लास में हो? तुम ही थे, तुम थे इंजीनियर बनने वाले। देखो अब मैं पॉइंट्स बताता हूँ कुछ, ठीक, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। आज अगर हमें बनना हो, मेडिकल फील्ड में जाना हो तो क्या क्या करना होगा, ठीक, आज बात करेंगे मेडिकल्स वालों की। उससे पहले मैं बात करता हूँ इसमें पॉइंट्स की। मैथ्स हमें क्यों पढ़ना चाहिए? मैथ्स में पहली पॉइंट जो अभी आपने बताया, क्या नाम है आपका? अभिश्री। बाप रे, इतना बढ़िया नाम नहीं, अरे मतलब इतना अजीब नाम है बोले में नहीं आएगा। ठीक, क्या नाम है? अभिश्री। तो अभिश्री ने कहा कि सबसे पहली चीज़ हमारी थिंकिंग एबिलिटी जो है, थिंकिंग वो होती है लॉजिकल। उनके कहने का मतलब हम कर सकते हैं लॉजिकल थिंकिंग। क्या करते हैं? लॉजिकल थिंकिंग। इसको मैं लिख देता हूँ सीक्वेंस में, लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग। दूसरा क्या? एक्यूरेट। क्या कह सकते हैं उसको? एक्यूरेट हम इससे कहते हैं फॉरकास्ट। ठीक। प्रॉपर किसी चीज की क्या होती है इससे? सिमेट्री। इसमें कैलकुलेशन तो करते ही हैं। ठीक। लॉजिकल थिंकिंग हमें प्रोवाइड करता है, एक्यूरेट फॉरकास्ट कराता है। बात करें ज्योतिष की, ज्योतिष शास्त्र जो लोग बताते हैं आज आपके जीवन में ये होने वाला है, आपका सामान गायब हो गया है, बाबा जो है अजारी बाबा से अपना सामान ढूंढवाए हैं, बस 500 रुपये में आपका सामान मिल जाएगा। तो ये कैसे करते हैं ये लोग? इनका सबसे बड़ा मैथ होता है वैदिक मैथ। कौन सा? वैदिक मैथ्स। दिखाई दे रहा? वैदिक मैथ्स ये एक ऐसा मैथ है जहाँ से तुम खुद के जीवन का पता कर सकते हो कि अगले क्षण क्या होने वाला है, कैलकुलेट करके। तो ये कैसे काम करता है, कैसे काम करता है ये देखने वाली बात है। तीन पॉइंट्स बस मैंने डिस्कस करूंगा, ठीक, बाकी चीज़ें हम मैं सिर्फ बस तीन पॉइंट डिस्कस करूंगा, बाकी फिर कभी जो समय मिला तो डिस्कस करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं मेडिकल के फील्ड में। ठीक। तो इसमें ये चीज़ें तुम्हें प्रोवाइड करती हैं और बहुत सारे हैं, ढूंढने जाओगे तो ये पूरा बोर्ड भर जाएगा, हो सकता है दीवार के ऊपर चला जाए। ठीक। लेकिन उसकी कमी नहीं होगी कि मैथ्स हमें प्रोवाइड क्या कराता है, क्योंकि ये पूरी वर्ल्ड जो पूरा यूनिवर्स है ये मैथ्स पे टिका हुआ है, मैथ्स के मैट्रिक्स पे टिका हुआ है। हर चीज ज्योमेट्री पे टिकी है, हर चीज ज्योमेट्री पे टिकी है। अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन एक ऐसे साइंटिस्ट
जिन्होंने अपने लाइफ का आधा हिस्सा कहाँ बिताया, आधा से ज्यादा हिस्सा उन्होंने क्या पढ़ा था, बाइबल। क्या पढ़ा था? उन्होंने कहा कि मैंने इतना रिसर्च किया। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे, किसी को पता? कौन से साइंटिस्ट? केमिकल के साइंटिस्ट थे। दीदी कब पढ़े हो रहा केमिकल वहां। ये थे थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट। क्या थे? थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट। फिजिसिस्ट इन्होंने बताया कि हम इस दुनिया के जितने भी चीजें हैं सबको डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं ये चीज यहां है, ये ऐसे साइंस की मदद से हम सब कुछ डिस्क्राइब कर सकते हैं, बट एक चीज नहीं कर सकते कि इस चीज को इतना बढ़िया से किसने सिस्टमेटिक कर दिया, किसने इस चीज को, किसने प्लैनेट को हम समझा सकते हैं। हाँ, ग्रेविटी के वजह से वो रुका हुआ है आपस में और जो है वो रोटेशन रिवोल्यूशन करता रहता है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि उसको इतने सही तरीके से, इतने सटीकता से किसने कर दिया और किसने इस फोर्स को जनरेट कर दिया। क्या समझे? उन्होंने ये कहा। ठीक, ये थ्योरी कभी पढ़े नहीं, इसलिए तुम्हें साइंस में कोई भरोसा ही नहीं है और साइंस से ना तुम्हें लगाव है, तुम्हें लगता है कि जो दिख रहा है वही सब कुछ है, लेकिन नहीं, जो दिखता है वो साइंस का एप्लीकेशन है, लेकिन जो साइंस है वो ये है। समझ में आई बात? हम बात करते हैं मेडिकल में जाने के लिए क्या करना चाहिए। मेडिकल में जाने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले 11, 12, 9, 10 ऐसे पढ़ो जैसे पहली में हम काकाहरा पढ़ते हैं। ठीक, जैसे ए बी सी डी चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हैं, वैसे 9th से 12th की जो जर्नी है, 9th से 12th की जो जर्नी है, ये जर्नी 4 साल की होती है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। जैसे कोई बीटेक का बच्चा इंजीनियर बनने के लिए 4 साल मेहनत करता है, वैसे तुमको मेहनत करना चाहिए 9th से 12th पर जाने के लिए। इन जर्नी को एक एक साल, अभी इसको एक कैटेगराइज करके इसको अगर किसी कैरियर अपॉर्चुनिटी का नाम दे दिया जाता तो 11, 12, 9th के बच्चे IIT JEE बहुत आराम से निकाल लेते। ठीक, लेकिन इसको एक हवा की तरह हमारे पूरे इस एरिया में या पूरे भारत में या पूरे दुनिया में जहां शिक्षा का बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बहुत अभाव है, वहाँ पे ये चीज़ें मिलती हैं कि उसको हवा की तरह दिखाया जाता है। बस 10th में और 12th में तुम्हारे नंबर अच्छे आने चाहिए, नॉलेज क्या है इससे मतलब नहीं होता। एक बार बिहार में क्या हुआ, बिहार में एक लड़की टॉप कर गई, न्यूज़ रिपोर्टर पहुँचे, बताओ केमिकल्स क्या है। 5 मिनट तक वो सोचती रही केमिकल केमिकल केमिकल, उसका नंबर कैसे आया? उसने चीटिंग नहीं की, उसने रट लिया। ठीक, लेकिन हमारे सर कहते थे एक लाइन, इसको तुम भी आज गांठ मांग लो, कि रटंत विद्या घटंत बुद्धि। क्या? रटंत विद्या और घटंत बुद्धि। समझ में आया? रटंत विद्या घटंत बुद्धि। अगर तुम किसी चीज को रट रहे हो तो वो तुम्हारे दिमाग को छीड़ कर देगा, तुम्हारे दिमाग को कुंद कर देगा, तुम्हें सोचने की पावर खत्म कर देगा। और आज के समय में पावर कौन सा खत्म कर रहा है? ये सारी चीजें तो सेकेंडरी हैं, सबसे पहले चीज फोन। ठीक, फोन जितना अच्छा है आज के समय में उतना ही खराब है। क्यों? रीजन, क्योंकि फोन से निकलती है रेडिएशन। हर चीज का अपना अपना महत्व है, अपनी अपनी डिसएडवांटेज है। ठीक, लेकिन आज के समय में युवा फोन को जिस तरह यूज कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए, जिस तरह यूज कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए। ठीक, हाँ, क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे सोचने की पावर को खत्म कर दे रहा है। आप पहले के आदमी थे, जब उनको कोई चीज कैलकुलेट करना होता था तो वो सोचते थे, और वो सोचते सोचते इतना सोच डालते थे कि अपने दादा परदादा को देखो, जो अभी बाबा बाबा होंगे, वो उनको अगर कोई चीज कैलकुलेट करना होता है कैलकुलेटर कभी यूज नहीं करते, बहुत रेयर केस में करते हैं। लेकिन हम लोग यक गुड़े दुई अगर करना होगा तो कैलकुलेटर उठाएंगे। ये है युवा पीढ़ी। क्यों कैलकुलेटर उठा रहे हैं? क्यों कैलकुलेटर उठा रहे हैं? क्योंकि हमारे सोचने की पावर ये फोन खत्म कर रहा है। मैं ये नहीं कहता तुम फोन ना यूज करो, फोन ना यूज करो, लेकिन कितना यूज करो, जितना महत्व है उसका, मतलब जितना उसकी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि तुम दिन भर फोन में लगे हो। हाँ, फोन से पढ़ाई कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ने का भी एक वे होता है। ठीक, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या है?
ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बस बस दो मिनट और रुक जाओ, मैं मेडिकल में बता दूं क्या चीज़ हमें करना चाहिए, फिर हम आगे फिर बात करेंगे ठीक किसी और लेक्चर में। मैंने कहा कि मोबाइल फ़ोन से तुम पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ने का भाई एक तरीका है, एक समय है। कहते हैं कि हम रात भर पढ़ते हैं, रात भर पढ़ने वाला सक्सेस नहीं होता। जो सक्सेस होते हैं उनसे पूछ लो, वो रात भर कभी नहीं पढ़े। रात भर पढ़ने वाले सक्सेस नहीं होते, सक्सेस वो होते हैं जो समय पे पढ़ते हैं। रात में हमें कितने बजे सोना चाहिए? हाँ, 9 बजे। तुम रात में कितने बजे सोना चाहिए? सो जाते हो? ये नहीं, तुम 7 बजे सो जाओ, हमसे दिक्कत नहीं है। कितने बजे तुम 10 बजे। करेक्ट टाइम कितने बजे? 10 बजे हमें सोना चाहिए, 10 PM। उठना कितने बजे चाहिए? हाँ, 5 बजे, 6 बजे, 4 से 5 के बीच में हमें उठना चाहिए। इतने बजे सोना क्यों चाहिए? देखो, ये टाइमिंग तुम 2 रख सकते हो, 2 बजे तुम उठ सकते हो, लेकिन 10 से 2 के बीच में सोने के लिए क्यों कहा गया? साइंटिफिक रीजन है। क्यों कहा गया? क्योंकि तुमने कभी ये चीज नोटिस किया होगा, हम मेडिकल पे फिर कभी बात करेंगे, आज इसको बात करके सेशन को एंड करते हैं ठीक। बस मेडिकल के लिए मैंने इतना बता दिया कि ये चीज घाट बांध लो कि 9 से 12 कभी पढ़ना अच्छे से मत भूलना, नहीं नीट ना कभी क्लियर कर पाओगे, ना IIT JEE क्लियर कर पाओगे, और फिर क्या करोगे, BTEC करने के बाद बेरोजगार कहलाओगे ठीक। मैं ये नहीं कहता तुम IIT करके ही इंजीनियर बन सकते हो, तुम नीट करके ही डॉक्टर बन सकते हो, बट तुम्हारे पास वो स्किल होना चाहिए जिससे तुम डॉक्टर बन सकते हो। एक बिना पढ़ा लिखा आदमी भी डॉक्टरी कर सकता है। हमारे पापा, मैं एग्जांपल देता हूँ, उन्होंने आज तक डॉक्टरी की कोई डिग्री नहीं ली, लेकिन दवाइयों में उनको जितना जानकारी है, इस पूरे दूजनपुर में जितने डॉक्टर इस समय हैं उनको नहीं है। लेकिन उन्होंने क्यों नहीं किया, क्यों उनको, वो घर पे हैं इस समय, फार्मर है सिर्फ, क्यों? क्योंकि उनके पास डिग्री नहीं है ठीक। डिग्री महत्व रखता है, और दूसरी चीज उनकी एक आदत ये भी है, उनके पास मल्टी टैलेंट है, लेकिन वो अपने फैमिली के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करके घर पे ही रहते हैं। हमारे अंकल्स हैं, वो चले जाते हैं बाहर, लेकिन वो कभी जल्दी नहीं जाते ठीक, घर के काम देखते हैं बस, यहाँ तक कि हमें भी कोई काम विशेष नहीं करने देते ठीक। तो डॉक्टर कोई भी बन सकता है, बस उसके अंदर वो स्किल होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए। डॉक्टर कोई पढ़ने से डॉक्टर नहीं बनता। समझ में आई बात? मैं क्या बात कर रहा था? हाँ, सोने की। हमें कितने बजे सोना चाहिए? 10 से 2 के बीच में हमें सोना चाहिए। कभी तुमने नोटिस किया है ये चीज कि जब तुम 10 बजे तक, मतलब कि तुम स्टार्ट करते हो 6 से पढ़ना 10 तक ठीक, थोड़ा रेस्ट लेते हो, सोचते हो और पढ़ लें, तुम पढ़ते हो 11 फिर 12 बजे तक पढ़ते हो। इन 2 घंटे के बीच में तुम पढ़ तो लेते हो, लेकिन फिर उसके बाद तुम्हारे शरीर की जो हालत होती है तुम सोच सकते हो क्या होता है। तुम्हारे, अगर तुमने नोटिस किया हो तो सबसे पहले गैस की प्रॉब्लम तुमको होती है ठीक। कभी नोटिस किया हो 2-3 दिन रात में 10 से 2 काम करके देख लो, गैस की प्रॉब्लम होगी, स्ट्रेस रहेगा। क्या रहेगा? स्ट्रेस रहेगा। तो ये चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि 10 से 2 के बीच में हमारी बॉडी रेस्ट चाहती है। ये नेचर का नियम है कि 10 से 2 के बीच में हमें सोना चाहिए। ऐसा नहीं है हम कभी भी सो जाएं और कभी भी उठ जाएं तो हमारा कल्याण हो जाएगा। हमें टाइम से सोना पड़ेगा और टाइम से उठना पड़ेगा, तभी हम टाइम से सब कुछ कर सकते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा या नहीं है दोपहर हम निकल जाओ, हाँ ऐसा थोड़ी है। देखो, सूर्य सुबह सोच रहा है आज आ जाओ, वो सोच रहा है अरे चलो आज दोपहर में निकल लेते हैं, कभी रात में 12 बजे निकल ले, जब वो टाइम से नेचर में ये डिफाइन है कि सूर्य सुबह निकलेगा और शाम को डूबेगा, तो हम क्यों उसके खिलाफ जाते हैं कि रात होने पे जगते हैं और दिन में सोते हैं? क्यों? क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं है। तो आज से तुम लोग क्या करोगे, 10 से 2 के बीच में बिल्कुल सोओगे, उसके बाद चाहे जो करो, लेकिन 10 से 2 सोएंगे। लेकिन इस समय मैं बता रहा हूं कि मैं 10 से 2 कभी सोया ही नहीं, मुझे हो गया 2 हफ्ते। हम उसके बाद सोते हैं ठीक। अब मैं तुम लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि तुम लोगों की अभी एज है, तुम आदत डाल सकते हो।
ठीक, मुझे काम रहता इसलिए मुझे नहीं सोना पड़ता। तुम लोगों के लिए ये वीडियो जो एडिट होके पहुंचती है, ये इसी बदौलत पहुंचती है कि 12 बजे तक मैं इस वीडियो को अपलोडिंग पे लगा देता हूं, ठीक, इसको एडिट करने के बाद लगा देता हूं कन्वर्टिंग पे, फिर मैं सो जाता हूं उसी बीच। फिर जैसे मेरी आंख खुलती हूं, फिर देखता हूं वीडियो एडिट होके अभी कन्वर्ट हुआ या नहीं, जैसे कन्वर्ट होता है मैं उसको वीडियो अपलोड कर देता हूं, ठीक। तो ये सारे काम मेरे होते हैं। दूसरी चीज, मुझे भी कुछ चीजें बनानी होती हैं, वेबसाइट बनाना हो गया, उसका लेआउट बनाना हो गया, कंपनी को कोई चीज भेजना हो गया, ठीक, वो चीजें भी मुझे करनी होती है। तो दिन में मैं यहाँ रहता हूँ तो वो भी नहीं कर पाता, इसलिए मुझे करना पड़ता है। लेकिन इस शेड्यूल को मुझे चेंज करना पड़ेगा, जैसे तुम लोगों को मैंने बताया कि 10 से 2 पढ़ना चाहिए। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, बाकी चीजें हम फिर डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए 2 चीजें ध्यान रखो, टाइम से सो और फोन का यूज कम से कम करने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कहता ना करो। ओके, थैंक्स।